वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन कुछ लोग तो इतने दरिंदे होते हैं कि उन्हें शैतान बोलना शैतानों की तोहीन होती है। जी हाँ, इन हैवानों की हैवानियत से आज पूरी इंसानियत खौफ खाती है। और आज एक ऐसे ही हैवान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने अपनी घिनौनी हरकत से फिर एक बार आम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम इंसानों के बीच रहते हैं या फिर हफसी भूखे भेड़ियों के बीच। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफा मऊ में 4 लोगों की सामूहिक हत्या मामले में और रेप घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी व्हाट्सएप पर आई हेट यू को पढ़ने के बाद आपा खो बैठा था और उसने किशोरी समेत उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी और उसके साथियों ने किशोरी के साथ दरिंदगी तो की बल्कि उसकी मां को भी नहीं बख्शा। हालांकि अभी तक इस मामले में एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। घटना के ठीक 7 दिन बाद यानी कि रविवार को फाफा मऊ में 4 लोगों की सामूहिक हत्या का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के व्हाट्सएप पर मिली चैटिंग और कपड़ों पर मिले खून के निशान के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक आरोपी इस घटना को अंजाम देने से इंकार किया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक फाफा मऊ में मंगलवार की रात हुई इस घटना का कारण एक व्हाट्सएप मैसेज बना है। रविवार शाम एडीजी प्रेम प्रकाश, आईडीजी राकेश सिंह और एसएसपी उत्तम त्रिपाठी ने हत्या के आरोपी कोरसंट गांव के रहने वाले पवन कुमार सरोज को मीडिया के सामने पेश किया। बताया गया है कि पवन को उसके साथ ही गंगे ने लड़की का नंबर दिया था और उसके बाद उससे बात करने के लिए कहा था और आरोपी अनपढ़ है लेकिन वो गूगल वॉइस टाइप के जरिए उसको मैसेज करता था और हर रोज उससे बातचीत करता था और उसको मैसेज भेजा करता था। इसके बाद 21 नवंबर की शाम 6:15 पर उसने गुलाब का फूल बनाया और लड़की को आई लव यू का संदेश भेजा जिसके बाद जवाब आया आई हेट यू। हालांकि लड़का ये पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो अनपढ़ था, लेकिन इसको मैसेज को उसने किसी मदद से पढ़ा और उसके बाद वो अपना आपा खो बैठा। आरोपी के व्हाट्सएप से पता लगता है कि उसने उस वारदात के बाद लड़की को कोई मैसेज नहीं किया, यानी कि वो इस घटना के बारे में जानता था। पुलिस का दावा है कि आरोपी अक्सर लड़की को परेशान करता था और उसे छेड़खानी करता था। वो खुद को मुखिया कहकर उसे धमकाता था। पुलिस का कहना है कि पवन की कमर, पीठ और हाथों में चोट के निशान भी मिले हैं और शर्ट में खून के धब्बे पाए गए हैं। डीएनए सैंपल लिया गया है और वहीं कपड़ों और मोबाइल फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। थाना फाफा मऊ क्षेत्र में देखिए 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजातीय है, मृतक पक्ष की जाति का है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको अस्वीकार किया जा रहा था, बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस घटना में 4 लोगों की भूमिका का भी पता चल रहा है जिसकी जाँच की जा रही है। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। अब देखना होगा कि इस घटना में शामिल सभी दरिंदे कब तक पकड़े जाते हैं और कब उस परिवार को इंसाफ मिलता है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक ऐसे सरफिरयाशिकों के चक्कर में हमारे घर की बहु बेटियां दर्द के साए में जिएंगी, खौफ के साए में जिएंगी। आखिर कब तक योगी सरकार के राज में इस तरह से अपराध होते रहेंगे। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि अपराध काबू में है, दरिंदों को वो लगातार जेल के काल कोठरी में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं योगी सरकार और यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशाने खड़े करती है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।